क्या दाल को इसको इसको दाल को पका रहे हो क्या? अरे तो इसको वो पानी ही भगो लिया करो जो बढ़िया हो जाए तेल। पचेवर वालों की दुकान पे और यहाँ पे कोटा कचौरी मिलती है, लहसुन की चटनी, पुदीने की चटनी, भाई साहब क्या खुशबू आ रही है शानदार। भाई साहब कचौरी बना रहे हैं बढ़िया दाल की, भाई साहब पका पका के, भाई साहब खतरनाक कचौरी खा के मजा आ जाता है। कचौरी आप बताओ कौन कौन सी कचौरी मिलती है भाई साहब? कचौरी दाल वाली मिलती है, आलू के समोसे मिलते हैं। एड्रेस भी बता दो फटाफट, ग्राहक आ जाए जल्दी बताओ, ग्राहक ही बढ़ा दूंगा एक वीडियो। चटनियाँ बताओ, मैं तो चटनी में स्वाद आता है, पुदीने की, नींबू की। बाय वन गेट वन है ना सब मेन में। वाला मेरा दोस्त आ गया, आज पानी भर रहा है। क्यों दोस्त कैसे हो? मेरी क्लास में पढ़ने वाला आज मेरा दोस्त आ गया। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू थैंक यू। नट्स यानी कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, तो ये मैं खा रहा हूँ बादाम। एक तरह का ऑयल है, ऐसा कुछ नहीं है इसको खाने से कि दिमाग होता है, फलाना होता है, ढींढा होता है, ये ऑयल है। तो ऑयल आप अखरोट का ले लो या किसी भी चीज़ का ऑयल ले लो, मतलब हिसाब का ही काम करता है, हर जगह हिसाब की चीज़ें खानी चाहिए। तो इसका मतलब दिमाग तेज होता है। मैं 10 किलो खा जाता हूँ एक महीने के अंदर, तो दिमाग बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, ऐसा और भी नहीं है। हर चीज़ लिमिट की अच्छी रहती है, तो 2-4-5 खा लो, थोड़ा शरीर में ताजगी मिलेगा, स्फूर्ति मिलेगा, और सब चीज़ का सेवन करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो तेज़ कर दिया, फलाना कर दिया। हर चीज़ खाने से ही शरीर मजबूत बनता है, दिमाग तेज होता है। सब चीज़ों को खाओ, एप्पल खाओ, बनाना खाओ, दूध पियो, अंजीर खाओ, सब चीज़ खानी चाहिए, पपाया खानी चाहिए, हर चीज़ से दिमाग तेज होता है।